दोस्तों जुलाई एंड अगस्त के मंथ्स में मॉनसून का सीजन रहता है एंड इस टाइम पर पहाड़ों में जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जैसे स्टेट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब प्लेसेस बताने वाला हूँ जो आप जुलाई एंड अगस्त के टाइम पर विजिट कर सकते हैं इंडिया में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहली डेस्टिनेशन है गोवा। देखो, अगर आपका मन कर रहा है एक हफ्ता मस्त वेकेशन पर जाने का, तो गोवा बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है मॉनसून के टाइम पर। इसके दो रीजन है। पहला ये कि आपको इस टाइम पर गोवा में सबसे कम क्राउड देखने को मिलेगा, एंड सेकंड ये कि ये गोवा का ऑफ सीजन है, तो आपको ये गोवा की ट्रिप कॉस्टली नहीं पड़ेगी। होटल्स भी आपको बजट में मिल जाएंगे एंड मैक्सिमम क्लब्स में भी एंट्री फ्री रहती है। प्लस में एक बात और, मॉनसून के टाइम पर गोवा की फ्लाइट की टिकट्स भी कॉस्टली नहीं होती है। आपको दिल्ली से गोवा के लिए 5000 के अंदर फ्लाइट टिकट्स मिल जाएंगी एक साइड की। गोवा में आप सब पॉपुलर बीचेस विजिट कर सकते हो, जैसे कि बागा बीच, अंजुना बीच, कैंडोलिम बीच एंड और भी बहुत सारी बीचेस। बस एक छोटा सा ड्रॉबैक रहता है कि जिस टाइम पर बारिश आ रही है उस टाइम पर आप ज्यादा नहीं घूम पाएंगे। इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है एंड ये सिचुएटेड है राजस्थान में। उदयपुर फेमस है अपने पैलेसेस, लेक्स एंड रिच कल्चरल हेरिटेज की वजह से। उदयपुर में आप काफी सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हो, जैसे कि सिटी पैलेस, जिसका आर्किटेक्चर देखकर आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद आप बोटिंग कर सकते हो इन लेक पिचोला, जहां से आपको सिटी पैलेस एंड जग मंदिर के व्यूज नजर आएंगे। ये बोट राइड अगर आप सनसेट के टाइम पर लोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। इसके बाद आप विजिट कर सकते हो सहेलियों की बाड़ी, जगदीश टेम्पल एंड फतेह सागर लेक। इन सब प्लेसेस के बाद आप सज्जनगढ़ पैलेस जरूर विजिट करना, जिसका दूसरा नाम है मॉनसून पैलेस। ये थोड़ा सा हाइट पर बना हुआ है एंड यहां से आपको सिटी के बहुत प्यारे नजारे देखने को मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर भी आप सनसेट के टाइम पर ही आना। दिल्ली से उदयपुर की दूरी है लगभग 700 किलोमीटर एंड दिल्ली से उदयपुर जाने के लिए आपको आसानी से बस एंड ट्रेन मिल जाएगी एंड उदयपुर में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप विजिट कर सकते हैं वो है माउंट आबू। माउंट आबू की ट्रिप आप उदयपुर के साथ ही क्लब कर सकते हो। माउंट आबू इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का। उदयपुर से माउंट आबू की दूरी है लगभग 165 किलोमीटर एंड आपको आसानी से उदयपुर से टैक्सी मिल जाएगी माउंट आबू तक आने के लिए। एंड इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लद्दाख। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि माउंटेन्स पर जाना मॉनसून में सेफ नहीं होता, लेकिन लद्दाख मैंने इसलिए इस लिस्ट में रखा है क्योंकि अगर आप लद्दाख बाय फ्लाइट जाते हो तो कंपैरेटिवली काफी हद तक सेफ है। मॉनसून के टाइम पर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय रोड लेह लद्दाख जाओ, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स होती है रास्ते में। लद्दाख की डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको मिल जाएगी इंडिया के बड़े शहरों से, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि फ्लाइट्स में आपको डिले देखने को मिल सकता है। लद्दाख में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है मॉनसून के टाइम एंड मॉनसून के टाइम पर आपको लश ग्रीन वैली देखने को मिलेगी लद्दाख में एंड क्राउड भी बहुत कम होगा। लद्दाख सिचुएटेड है 3500 मीटर की हाइट पर, इसलिए अगर आप बाय फ्लाइट लद्दाख जाते हो तो पहले एक या दो दिन होटल में ही बिताना, नहीं तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। एक डिसएडवांटेज भी है लद्दाख जाना मॉनसून के टाइम पर, वो ये है कि आप लद्दाख के सभी प्लेसेस विजिट नहीं कर पाओगे, जैसे कि हाई पासेस। नेक्स्ट प्लेस जो आप मॉनसून में विजिट कर सकते हैं वो है कूर्ग। कूर्ग बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है एंड ये सिचुएटेड है कर्नाटका में। कूर्ग फेमस है अपनी कॉफी प्लांटेशन, लश ग्रीनरी एंड प्लीजेंट वेदर के लिए। यहाँ पर आप काफी सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हो, जैसे कि एबी फॉल्स, राजा सीट एंड कॉफी प्लांटेशन। मॉनसून के टाइम पर यहाँ बहुत कूल वेदर रहता है एंड चारों तरफ आपको लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी एंड वाटरफॉल्स भी आपको इस टाइम पर बहुत अच्छे फ्लो में दिखाई देंगे। बस मॉनसून का डिसएडवांटेज यही होगा कि कुछ ट्रैकिंग के पाथ पर जाना अलाउड नहीं होगा एंड अगर अलाउड होगा तो वो पाथ थोड़ा सा स्लिपरी होगा, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट प्लेस जो आप मॉनसून में विजिट कर सकते हैं वो है मुन्नार। मुन्नार सिचुएटेड है केरला में। ये भी एक हिल स्टेशन है जहाँ से आपको ब्रेथ ट्रेकिंग व्यूज देखने को मिलेंगे। मुन्नार फेमस है अपनी टी प्लांटेशन के लिए एंड प्लेजेंट वेदर के लिए। मुन्नार में भी आपको मॉनसून के टाइम पर लश ग्रीनरी देखने को मिलेगी एंड साथ ही साथ आपको वाटरफॉल्स भी फुल फ्लो में दिखाई देंगे एंड मॉनसून के टाइम पर क्राउड भी कम होता है मुन्नार में। मुन्नार में आप बहुत बड़े बड़े टी गार्डन्स देख सकते हो एंड बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर सकते हो, जैसे कि एराविकुलम नेशनल पार्क, मत्तुपट्टी डैम एंड लेक एंड अतुकड़ वाटरफॉल। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो आप मॉनसून में विजिट कर सकते हैं वो है चेरापुंजी। चेरापुंजी सिचुएटेड है मेघालय में एंड ये वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पर। चेरापुंजी में पूरे साल बारिश होती रहती है एंड मॉनसून में तो और ज्यादा बारिश होती है एंड इसकी यही खासियत टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। चेरापुंजी में आपको बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। चेरापुंजी में आप विजिट कर सकते हो नौकलिकाई फॉल्स। ये वाटरफॉल टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया का, जिसकी हाइट है 340 मीटर एंड मॉनसून के टाइम पर ये वाटरफॉल अपने फुल फ्लो में फ्लो करता है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं माउंट स्माइक केव एंड सेवन सिस्टर वाटरफॉल। मॉनसून में ये वाटरफॉल भी बहुत ज्यादा
स्टनिंग लगता है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जो कि बना है रबर ट्रीज की रूट से। एंड इसके अलावा भी कुछ और प्लेसेस आप यहां पर विजिट कर सकते हो। इस लिस्ट में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लोनावला। अब बात मॉनसून की हो रही है तो हम महाराष्ट्र को कैसे भूल सकते हैं। लोनावला एक बहुत प्यारा सा हिल स्टेशन है जो कि लोकेटेड है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में। लोनावला भी अपनी लश ग्रीनरी, ऑसम वेदर एंड सीनिक लैंडस्केप के लिए फेमस है। वैसे तो लोनावला बहुत सुंदर प्लेस है लेकिन मॉनसून के टाइम पर इसकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल पर होती है। मॉनसून में लोनावला के व्यूज और ऑसम हो जाते हैं एंड साथ ही साथ आपको काफी सारे वॉटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। पुणे या फिर मुंबई से आप आसानी से लोनावला पहुंच सकते हो। यहां पर आप विजिट कर सकते हो टाइगर स्लीप, भूशी डैम, ये बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है लोनावला का, जहां पर आप एंजॉय कर सकते हो कैस्केडिंग वॉटरफॉल मॉनसून के टाइम पर। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं भाजा केव्स, लोनावला लेक एंड लायंस पॉइंट एंड और भी काफी सारे प्लेसेस। लोनावला एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है एंड इजिली आप यहां पर पहुंच भी सकते हो। ये पुणे एंड मुंबई दोनों के सेंटर में है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।